मेन बुलेवार्ड रोड इनकी है जिस पे भी हम ट्रेवल कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे इनका सेक्टर ए बी सी डी है, बाकी सारे राइट साइड पे आ रहे हैं जो मेन है। सेक्टर सी इनका राइट साइड पे भी है कुछ पोर्शन। राइट साइड पर है। अभी हम यहाँ से आपको सामने का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम ऊपर जाते हैं राइट साइड पर, बाकी के सेक्टर देखते हैं। ये रोड अभी सारी बन रही है आगे, अभी तक आगे कनेक्ट नहीं हुई। ये जब बन जाएगी तो इस्लामाबाद काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, ये ऊपर है सेक्टर। ऊपर से व्यू ज़्यादा अच्छा है, सीनरी ज़्यादा अच्छी है, नीचे भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन ऊपर से ज़्यादा व्यू आपको क्लियर नज़र आएगा। एक जो सबको प्रॉब्लम थी, इनका हेड ऑफिस गोल्ड सिटी मरी रोड पे आता था, मरी के रास्ते में एक्सप्रेस वे पे, तो अभी उन्होंने अपना हेड ऑफिस यहाँ पे बना लिया मेरी एनक्लेव के लिए। अब सारी पेमेंट्स वगैरह यहीं पे रिसीव होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, वरना उसमें काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे जो अभी जहाँ से हम आए हैं, ये उसका व्यू है। बैरियर में काफ़ी हद तक एरिया ले लिया हुआ है, लेकिन ये भी कुछ एरिया है जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने ब्रिक लगाया हुआ कि हमने सेल आउट नहीं किया हुआ बैरियर को। जब बैरियर ये वाला एरिया ले लेगा तो और इजी एक्सेस हो जाएगी सामने जाने के भी, मेरा साइड से होकर जाना पड़ रहा है। सेक्टर सी वन राइट साइड पर है सारा। अभी हम राइट साइड पर जाएंगे, सेक्टर सी वन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ठीक है। कंडीशन ये सारा सेक्टर सी वन है, सारा सेक्टर जो है सी वन दिखा रहे हैं अभी हम आपको। ये काफ़ी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बैरिया वालों का ये है कि अगर आप प्लाट की इंस्टॉलमेंट्स आपकी ख़त्म हो जाती है तो ये आपको कहते हैं आप आके पोजेशन लें, फिर आप कुछ टाइम देते हैं विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करें। तो इस वजह से भी लोग जल्दी जल्दी घर बनाते हैं, जल्दी डेवलप इसी वजह से होता है कि 70% भी अगर बना लेते हैं 60% भी बना लेते हैं तो अचानक जो है आपको चेंज नज़र आती है। अभी जैसे हम राउंड अबाउट से वापस जा रहे हैं, ये
ये रोड वापस जा रही होगी जहाँ से हम आए थे, बाकी मेन एंट्रेंस की तरफ। अब ये देखिए सारा ये सेक्टर C1 है। साइड पे है अभी इनकी प्लॉटिंग हो रही है, अभी ये पहाड़ सारे काट रहे हैं यहाँ से, अभी इनकी प्लॉटिंग हो रही है, इसमें कुछ की होगी बाकी रहती है। अभी डेकोरेशन तो आपको पता है बैरियर टाउन वाले करते रहते हैं, इस तरह से जो डेकोरेशन की आइटम है आपको पता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लुक अच्छी आती है और लोग सिर्फ विजिट के लिए ट्रैवल करते हैं, एज अ आउटिंग लोग ट्रैवल करते हैं। हमें अभी आगे राइट साइड पर सेक्टर G है, इधर से थोड़ा सा हम आपको G सेक्टर का भी व्यू कराते हैं। अभी हम राउंड अबाउट से राइट साइड पर मुड़ते हैं, ये राउंड अबाउट आ गए, जैसे अभी हम राइट साइड पर जा रहे हैं। देखिए सेक्टर G के स्ट्रीट नंबर 1-16 इस साइड पे है, और ये सारा सेक्टर F1 इस साइड पर होगा। अभी इसकी प्लॉटिंग चल रही है, अभी कटिंग हो रही है पहाड़ों की, ये अभी G सेक्टर काफ़ी पीछे बन गया है। अभी हम आपको सेक्टर H की तरफ लेके चलते हैं, रास्ते में थोड़ा सा आपको इसका व्यू करा दूँ। राउंड बोर्ड से राइट साइड पर ये सारा सेक्टर G है राइट साइड पर, डेकोरेशन इनकी इन्होंने बनाए हुए, लोग आके पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे, अच्छी एडिशन है लोगों के लिए, एक एक्टिविटी हो जाती है। अभी आगे आप बोर्ड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर सेक्टर MNNB है और राइट साइड पर HIJKL है। अभी हम इधर से राइट साइड पर होंगे राउंड बोर्ड से, राइट साइड पर जा रहे हैं, ये सेक्टर HJKLONP साइड पर है। ये देख रहे हैं आप राइट साइड पर सेक्टर G सारा, कुछ की प्लॉटिंग रहती है अभी, कुछ होगी मार्केट्स वगैरह बन गई है, और लेफ्ट साइड पर सेक्टर H है।
सामने अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बन गई, काफ़ी हद तक ग्रे स्ट्रक्चर इनका बन गया है। अभी इंटीरियर डेकोरेशन और HVAC और प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है अंदर। राइट साइड पर सिविक सेंटर है इनका बनेगा, यहाँ पे मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी है जो बनेगी, इसका मैंने बुकिंग ऑफिस बनाया हुआ। ये एक छोटा सा पार्क है, इसके आगे हेड ऑफिस इनका लेफ्ट साइड पर है। अभी हम आपको हेड ऑफिस इनका दिखा दें कहाँ पर करके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर। ये सारी बैरी एनक्लेव की इश्यूज को ये हैंडल कर रहे हैं। ये बैरिया वालों का स्टाइल है कि जो अपने हेड ऑफिसेज हैं वो पूरी अपने जो ब्लॉक्स हैं उनके एंड पे बनाते हैं, ताकि सारे लोग पूरा व्यू करते हुए जाएं कि स्टेटस क्या चल रहा है इनके, इसका कंस्ट्रक्शन का। और इनके हेड ऑफिस से भी हम बाहर निकले हैं, सामने आपको सारी हिल्स नज़र आ रही है। यहाँ पर भी बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई हो रही है, काफ़ी बड़े बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है अपार्टमेंट्स की। इसका फिनिशिंग वर्क करने बाहर से शुरू किया लुक देने के लिए, अभी ग्रे स्ट्रक्चर बना रहा है, बाकी इनका सारा जो है HVAC इलेक्ट्रिकल भी रहता है। सेक्टर IJKLM&B आगे सीधा साइड पर होंगे। ये सिनेमा की बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, यहाँ पर सिनेमा बनेंगे। अभी हम सेक्टर एम और एन की तरफ चलते हैं, सेक्टर एम की तरफ चलते हैं। ये मदीना माल एंड रेजिडेंसी का बुकिंग ऑफिस है, राइट साइड पे सेक्टर एच है। लेफ्ट साइड पर सेक्टर जी है और राइट साइड पर सेक्टर एच है। अभी हम सीधा जा रहे हैं मेन रोड से। राउंड अबाउट आ रहा है, हम लेफ्ट साइड से आए थे,
यहाँ से आए थे, अभी हम सीधा जाएंगे कल आगे। देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से हिल्स की तरफ, और ये थोड़ा स्लोप में है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से। जब यहाँ पे घर बन जाएंगे कम्प्लीट तो आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। ये सारा सेक्टर जो एन है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर सेक्टर एम और एन है। ये सेक्टर एन के राइट साइड पे वो कटिंग है जो है 5 मल्ले के करीब। क्योंकि इन्होंने कहा कि अपना पोजेशन ले और घर बनाए, तो इसलिए लोग जो इंटरेस्टेड हैं जिनके पास फंड्स हैं वो स्पीड में घर बना रहे हैं। काफ़ी बीच में ठेकेदार भी हैं जो घर बना के आगे सेल कर रहे हैं। ये स्ट्रीट 15A है और ये इसके सामने पार्क होगा, ये इस पे कुछ घर बनते हैं। ये भी सारा सेक्टर एन से गुजर है जिसमें 5 मल्ले की कटिंग है। रोड्स इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है यहाँ पे 5 मल्ले के हिसाब से, वो भी 10 मल्ले में इतनी रोड होती है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो रही है। अभी आगे सारा हिस्सा से बना हुआ, अभी हम आपको सेक्टर एंड का सामने वाला एरिया दिखाते हैं जहाँ पे 8 मल्ले की है। जहाँ से हम आए थे तो लेफ्ट साइड पर हमने देखा से पहाड़ को उखाड़ के रोड से निकाल रहे हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं वापस, ये सारे घर जो है तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। सामने है जो सेक्टर एन का पार्ट है और जो है जहाँ पर पार्ट बनी हुई होती है, जो चल के आपको दिखाते हैं। सेक्टर एन की राइट साइड पर स्ट्रीट नंबर 1-26 थे, बाकी स्ट्रीट्स इस साइड पे। अभी हम आपको लेके चलते हैं लेफ्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए अभी स्ट्रीट नंबर 44-56 इस साइड पर है, इधर लेके चलते हैं आपको।
कंस्ट्रक्शन हुई नहीं कुछ। कुछ लोग रह रहे हैं, गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं। इधर से हम लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट होते हैं अंदर जाते हैं। सेक्टर एन से व्यू है अभी सामने पहाड़ों का। अभी यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए मशीनरी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन अभी ऐसा जितना ज़्यादा काम नहीं हो रहा आज, क्योंकि यकम नहीं है और मजदूरों का दिन है, तो इसलिए उन्होंने ऑफ किया आज। अभी हम वापसी सेक्टर एन से वापसी की तरफ जा रहे हैं, बेरियन क्लेव से अभी हम निकल रहे हैं। अभी सेक्टर एन से जो मेन रोड पर रास्ता जा रहा है वो रोड्स में थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वरना ये शॉर्टकट है वहाँ से भी। हम इसलिए घूम के ऊपर से आए हैं, वरना नीचे से मेन एंट्रेंस से ही 2-3 मिनट के फासले में रास्ता। लेफ्ट साइड पर सेक्टर एम है, लेकिन अभी इधर ऐसा सच काम हो रहा है, अभी प्लॉटिंग नहीं हुई तो इसलिए इसको भी दिखा रहे हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं राउंड बोर्ड से, जिधर से आए थे उधर ही वापस जा रहे हैं। सेक्टर जी है लेफ्ट साइड पर, स्ट्रीट नंबर 678। काम चल रहा है इनका, अभी प्लॉटिंग वगैरह नहीं हुई, अभी पहाड़ काट रहे हैं और प्लॉटिंग थोड़ी सी हुई है कुछ एरिया में, अभी प्रॉपरली ये प्रोसेस में है। ये लेफ्ट साइड से रोड आ रही है, अभी ये इतनी अच्छी रोड नहीं है, ये प्रॉपर बैरियर वाले बना लेते होते हैं बाद में, जिस तरह उन्होंने फेस 3 और 4 जो बैरियर ऑन इस्लामाबाद है उसमें बनाई थी, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा एंट्रेंस के इस रास्ते से। अभी हम मेन बुलेवार्ड की तरफ जा रहे हैं बैरियर एनक्लेव के लिए। So
सेंटर है। तकरीबन 2012 से स्टार्ट हुआ था इनका सारा काम, तो अभी काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया। बर्ड्स एरिया है बेसिकली, इसमें सारे बर्ड्स हैं। ये मेन बुलेवार्ड पे लेफ्ट साइड पे सारे जो है मैक्सिमम बीच में से प्रॉपर्टी से रिलेटेड शॉप्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। ग्लोरिया जीन्स और चिका चीनो भी यहाँ पे ओपन हुए हैं। अभी बस ये गेट आने वाला है जिधर से हम आए थे, एंट्रेंस का रोड मेन गेट नहीं बनाया अभी यहाँ का, ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है इनकी मेन। जैसे हम एंटर हुए थे अब हम बैरियर क्लेव से बाहर निकले हैं। रोड्स सबसे पहले लोग देखते हैं, उसके बाद ही वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए बैरियर वाले भी सबसे पहले अपनी रोड्स की कंडीशन अच्छी रखते हैं। आपने देखा होगा और जो सोसाइटीज़ हैं उनमें नॉर्मली रोड्स की कंडीशन शुरू में अच्छी नहीं होती, वो आस्ता आस्ता उसको सही करते हैं, लेकिन बैरियर वाले सबसे पहले इस पर काम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, नई सोसाइटी इसलिए भी चल नहीं पाती।